नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। नया दिल्ली में कांग्रेसक सभापति देवबा आ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी बीच भेंटवार्ता, संविधान कार्यान्वयन में मोदी के जोड़। संविधान संशोधन के समय सीमा सरकार संग मांग के मोर्चा के तैयारी। संविधान कार्यान्वयन भैये का छोड़त प्रधानमंत्री प्रचंडक प्रतिबद्धता, जल्दी सहमति होबाक में जोड़। भारत 500 आ 1000 के नोट प्रयोग में प्रतिबंध लगलक, दिसंबर 30 तारीख भीतर बैंक में जमा कर आग्रह। आ अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन के मत परिणाम आब शुरू, हिलारी क्लिंटन के अग्रता। भारतक भ्रमण में रहल कांग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा मंगल दिन करीब 35 मिनट भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग भेंटघाट कलने। देउवा मोदी संगक भेंट में भूकंप बादक पुनर्निर्माण आ संविधान कार्यान्वयन के विषय में बातचीत भेल बतौलन। अहिना के दू नेता बीच संविधान के कार्यान्वयन के विषय में बातचीत भेल छल। देउवा के अनुसार अपने मधेशी थारू लगायत के संविधान प्रति असंतुष्ट पक्ष सबके समेटक के लेल भ रहल प्रयास के विषय में जानकारी करौने आ मोदी असंतुष्ट सबके समेट में संविधान के कार्यान्वयन में सजगता हाथ से उल्लेख कने छलथ। सब असंतुष्ट सबके संविधान के कार्यान्वयन लगायत सब प्रक्रिया में समेट सकल गेल त शांति स्थायित्व आ प्रगति संभव है, मोदी के कहब के उद्धृत करैत देउवा कहलन। मोदी आ देउवा बीच भिनसर में कल बातचीत भेल छल। प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति देउवा अपने घुरते संविधान संशोधन के प्रस्ताव संसद में पेश हैत आ संविधान में देखल गेल असंतुष्टि के संबोधन हैत से उल्लेख कलथ। दिल्ली भ्रमण के लकर नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा विवाद में पड़ल छथ, मुदा परराष्ट्र मंत्री प्रकाश शरण महत देउवा के बचाव कने छथ। एक चीन नीति विरुद्ध होब जका गोवा में निर्वासित तिब्बती प्रधानमंत्री संगे कार्यक्रम में सहभागी भेल देउवा के आलोचना भ रहल छ। संगे मंगल दिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भेटा नेपाली दूतावास के प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं करौने में सेहो पूर्व प्रधानमंत्री देउवा के आलोचना भेल छ। मुदा मंगल दिन परराष्ट्र मंत्रालय के आयोजित पत्रकार सम्मेलन में परराष्ट्र मंत्री महत कांग्रेस सभापति देउवा के बचाव कलन। भेंट में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ में भारत स्थित परराष्ट्र के अधिकारी सब सलाहकार आ सुरक्षा प्रतिनिधि से हो सहभागी छलथ, देउवा दूतावास के प्रतिनिधि नहीं छलथ। देउवा पत्नी आरजू से हो नहीं छल। अहि विषय में पूछल गेल प्रश्न में कांग्रेस नेता से हो रहल परराष्ट्र मंत्री महत पार्टी सभापति देउवा के बचाव करैत नेता सब के दूतावास के प्रतिनिधि बिना विदेशी पदाधिकारी संग असगरे भेट सक के बतौलन। परराष्ट्र मंत्री महत अपन पार्टी सभापति के राष्ट्रपति के माया में शंका नहीं कर से आग्रह कलथ। भारत के गोवा में तिब्बती नेता सब संगे कार्यक्रम में सहभागी नहीं भेल ओ दावी कलथ। देउवा अपना के देने शीर्षक में प्रवचन देने दैत चलल कहत ओ आगू के बाद के छल से जानकारी नहीं रहल कहलन। मोर्चा समय सीमा तोड़ कर संविधान संशोधन के लेल संसद में प्रस्ताव दर्ता कर सरकार के आग्रह कर वाला है। मधेशी मोर्चा सहितक संघीय गठबंधन की बैसार बृहस्पति दिन काठमांडू में बैसल जा रहा है। वो बैसार में संविधान संशोधन के लेल सरकार समय सीमा तोड़ के विषय में छलफल हैत नेता सब बताने आई है। ऐसा आगू मोर्चा नेता संविधान संशोधन प्रक्रिया शुरू कर छठ धर रुक के बतबत आयल छल। छठ मनाब जिला आयल मधेशवादी दल के नेता काठमांडू घूर लागल है। बुध दिन आई धर में सब मधेशी दल के शीर्ष नेता सब काठमांडू पहुंच जात। सभामुख अंसारी घरती संविधान अपूर्ण रहल आवाज उठ रहा कहित संशोधन के लेल सब दल के गंभीर होब पड़त बतौलिया। कहुना का राजनीतिक दल सब संविधान बनाब लेल एक जना के भेल छल, तहिना का कानून के लेल सेहो एक होब पड़त। धरान उप महानगरपालिका 20 नंबर स्थित छोटी मोरंग सूर्यदेव बुद्ध विहार के उद्घाटन करैत सभामुख घरती कहली जे दल सब के मिलकर द्वंद के स्रोत सब सबटा बंद कर पड़त। ओ संविधान संशोधन के लेल उठल विषय सब में राजनीतिक दल सब गंभीर रूप में छलफल क निष्कर्ष में पहुंचा जरूरी रहल बतौली। जिम्मेवार राजनीतिक दल सब के एकता आ सक्रियता बिना संविधान के संशोधन कर कठिन है ओ कहली। धनकुटा आ सुनसरी के संगम स्थल में बन लागल बुद्ध विहार में 1000 बुद्ध के मूर्ति राखल जात, वही में 175 फीट ऊंच एकटा बुद्ध के प्रतिमा से बनत। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल संविधान संशोधन के नजदीक पहुंचल बतौलन। मध्य पहाड़ी लोकमार्ग कोसी राजमार्ग आ तामा कोसी के अनुगमन में मंगल दिन खोटांग पहुंचल प्रधानमंत्री दाहाल कांग्रेस एमाले लगायत के शक्ति सब संग छलफल क के सहमति नजदीक पहुंचल बतौलन। प्रधानमंत्री दाहाल मधेश पहाड़ हिमाल सबके स्वीकार्य संविधान बनाब लगला से ओके लिए अपने कसरत में जुटल से बतौलन।
संविधान संशोधन आ ओकर बाद निर्धारित समय में स्थानीय प्रदेश आ संसदीय चुनाव कर के प्रधानमंत्री दाहाल कहलने नेकपा माओवादी केन्द्र खोटांग के नेता कार्यकर्ता सब समक्ष दाहाल अपन पार्टी के नीति अनुसारे देश के परिवर्तन भेल दावी कल प्रधानमंत्री दाहाल मधेश जनजाति खस आर्य लगात के मांग अपन पार्टी आ अपना सबके मात्र जानकारी रहला से अपने प्रधानमंत्री भेले समय से मात्र सबके संबोधन संभव हाथ बतौलन। निमित्त मुख्य सचिव टंकमणि शर्मा, भौतिक योजना सचिव धन बहादुर तमांग लगायत के साथ में खोटांग पहुंचल प्रधानमंत्री दाहाल कर्मचारी ठेकेदार लगायत के भर में मात्र गुणस्तरीय विकास संभव नहीं रहल आ समय में नहीं संपन्न भेल राष्ट्रीय महत्व के विशेष जोड़ल गेल विकास निर्माण के अपने अनुगमन में आयल सुनौलन। प्रधानमंत्री दाहाल जनता के सेवा के लिए ईमानदार भक कर्मचारी सबके काज कर निर्देशन से दिलत निक काज करब पुरस्कार के से व्यवस्था कैल जा तो कहलन। नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर में पहुंचल प्रधानमंत्री दाहाल कर्मचारी सर्वसाधारण आ पार्टी के कार्यक्रम में सहभागी भक घूरल छलत। इलाका के आधार मानकर काज कर के कार्यविधि पौने स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग अबेर में अघन के पहल सप्ताह भीतर सरकार के प्रतिवेदन बुझाव के तैयारी कलक मुदा आयोग अखन धरि में 30 जिला से प्रतिवेदन मात्र पाव सकल मधेश केंद्रीय दल सबके अवरोध के कारण मधेश में सुनसरी आ कंचनपुर बाहक के जिला से प्रतिवेदन आवन नहीं सकल। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह पुनर्संरचना संबंधी आयोग जिला सब में सुझाव संकलन करवाक लेल बैठक के तीव्रता देने अछि मुदा मधेशक जिला में सुझाव संकलन काज आ प्रतिवेदन बनेबाक काज सफल होव नहीं सकल अछि। ओना तह इलाका के आधार मानबाक कार्यविधि पाओल स्थानीय तह के आयोग सरकार के प्रतिवेदन बुझेबाक तैयारी अंतिम चरण में पहुँचल बताबि रहल अछि। अखन विभिन्न जिला सब प्रतिवेदन अयबाक क्रम सेहो जारी अछि। आयोग काती भीतर या अगहनक पहिल सप्ताह में प्रतिवेदन सरकार के बुझेबाक तैयारी समेत कह चुकल अछि। प्रतिवेदन नहि पठौने जिला सब के आयोग जल्दीए पठाव निर्देशन समेत द चुकल अछि। ओना तह अखन धरि 30 जिला मात्र प्रतिवेदन बुझौने अछि। 30 जिला में से सेहो प्रतिवेदन बुझाव वाला 28 पहाड़ी जिला छै। मधेश में सुनसरी आ कंचनपुर बाहेक कोनो जिला प्रतिवेदन बुझाव नहीं सकल अछि। बाकी जिला से किछ दिन भीतर नहीं पठला पर पहिन के प्रतिवेदन के मान्यता देबाक तैयारी समेत आयोग कयने अछि। नेपाल सरकारले हामीले कार्तिक मसान्तसम्म प्रतिवेदन दिए हुन्थ्यो भनेर अनुरोध भएको छ, तर हामीले ठ्याक्कै कार्तिक मसान्त भनेर भनेका छैनौँ। जति सक्दो छिटो हामी रिपोर्ट दिने हिसाबले काम गरिरहेछौँ, र यदि कार्तिक मसान्तभित्रसम्म भएन भने हामी मङ्सिरको पहिलो दोस्रो हप्तासम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने हिसाबले काम गरिरहेछौँ। प्रतिवेदन चाहिँ राजनीतिक सहमति गरेर हामीले दिएको मापदण्डभित्रै बसेर प्रतिवेदन पठाउनुहोस् भनेर अनुरोध गरिरहेछौँ। त्यसैको लागि उहाँहरूलाई उत्प्रेरित गरिरहेछौँ र हामी एकदमै आशावादी छौँ कि त्यसै अनुरूप प्रतिवेदनहरू आउँछन्। र यदि कथन कदाचित यसरी प्रतिवेदनहरू आएनन्, हामीले भनेको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर आए भने चाहिँ आयोगले आफ्नो हिसाबले त्यसको चाहिँ भनौँ न स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न आयोग स्वतन्त्र छ। हाम्रो प्राविधिकहरू लगाएर हामी गर्छौँ र हामीसँग अर्को पनि अप्सन छ कि योभन्दा पहिला हामीले जुन मापदण्डहरू दिएका थियौँ त्यो मापदण्ड अनुसार 54 जिल्लाबाट हामीलाई प्रतिवेदन प्राप्त भएको थियो। त्यसैले अहिले प्रतिवेदन प्राप्त नभएको तर पहिला प्रतिवेदन प्राप्त भएको रहेछ भने त्यो प्रतिवेदनलाई पनि हामी आधार मान्छौँ र त्यसैको आधारमा निर्णय गर्छौँ। हिमाली आ पहाड़ी जिला में प्रतिवेदन तैयार करवा काज जारी रहलो पर मधेशक जिला सब में मधेशकिनी दल सब अवरोध करते आयल अछि। विरोधक बावजूद स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग से काम जारी राखल गेला के बाद मधेशी मोर्चा बैठक सब बहिष्कार केनाइ के संगे भारत आयल अछि। मधेशी सभक माथ आ छाती में गोली मार बनाओल गेल संविधान संशोधन नहि हो धरि एहि संग संबंधित कोनो भी काम होब नहि देबा कहैत मधेशकिनी दलक नेता सब विरोध जनबैत आयल अछि। मधेशी सही को याद किया, आपको धन्यवाद है, लेकिन इस चीज में जितने भी है
567 गाउँपालिका आ नगरपालिकाको सीमा निर्धारण क के प्रतिवेदन बुझेबाक अन्तिम तयारी कैल समयमे संख्या बढाक 744 पहुँचौलाके बाद आयोग फेर सीमा हेरफेर क के प्रतिवेदन पेश कर जिल्ला स्तरीय प्राविधिक समिति के अढौने अछि। जनसंख्या जनघनत्व घर से सेवा केन्द्र में पहुँच क फेर घर घूर लगवाक अधिकतम समय राजस्व के आंतरिक स्रोत जातीय भाषिक सांस्कृतिक आ भौगोलिक सुगमता के आधार में स्थानीय तहक सीमाना निर्धारण करवाक अधिकार आयोग के देल गेल अछि। एक दिस प्रदेशक सीमांकन में बात मिलन नहीं धरि पुनर्संरचना के कोनो भी काम कर नहीं देवाक मधेसी मोर्चा के अड़ान छै तो दोसर दिस प्रतिवेदन नहीं औला पर सेहो आगा बढ़वाक आयोगक मनस्थिति अछि। त्या असंतुष्टि के बीच संविधान कारण में आगा बढ़ला पर समस्या और बढ़ सकबाक दिस सब पक्ष सचेत होब आवश्यक अछि। महोत्तरी से रंजन भंडारी आ सप्तरी से एमके माझीक रिपोर्ट। 73 जनकपुर विकास परिषदक कर्मचारी सब 5 सूत्रीय माग रखैत धरना जारी केने 21 दिन पहुँचलै। ओ सब परिषदक कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार यादव के हटाव के हाल कैल गेल प्राविधिक नियुक्ति बदर क दक्ष प्राविधिक के नियुक्ति कर के विगत में भेल सहमति कार्यान्वयन कर के कार्यकारी निर्देशक के नियुक्ति सरकार से होब के आ परिषदक एन संशोधन होब के मांग रखने अछि। कार्यकारी निर्देशक के नेपाल सरकार द्वारा कारण नेपाल सरकार द्वारा जे अबै छै तऽ ओ सब बहुत अनुभवी दक्ष रहै छै, काज में कोनो बाधा अवरोध नहि होय। आब जे विज्ञापन क के होय या चाहे ककरो छत्र छाया से जे अबै छै तऽ हुनका सबके 2 बरस सीखै मे लागि जाइ छै। नहि अपने के प्रशासन कोनो प्रकार के ज्ञान रहै छै, नहि मतलब की कहै छै ऑफिस के मैनेजमेंट केना हेतै हुनका कोनो ज्ञाने नहि रहै छै। आंदोलन में उतरल कर्मचारी परिषदक निर्देशक यादव दरबंदी पुनरावलोकन नहीं केने, दक्ष व्यक्ति के हटौने, परिषदक नागरिक बड़ा पत्र जारी नहीं केने लगायत आरोप से लगल माग पूरा नहीं हो देर धरना जारी रख के परिषदक कर्मचारी सब चेतावनी देने आई। एमर कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार यादव आंदोलनरत कर्मचारी के वार्ता में आबिक समस्या समाधान कर आग्रह केने छथि। ओ कर्मचारी के जायज माग पूरा कर तैयार बतौलन। ई 5 गोटे मांग के प्रति हमसब गंभीर छी, बेर बेर हमसब वार्ता में आवे के लेल लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता के अनुरूप असहमति पक्ष के सहमति में आवे के लेल आह्वान कर चुकल छी। एक बेर हम प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख के हैसियत से कार्यकारी निर्देशक के हैसियत से प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आह्वान के लिए, तेकरा बावजूद कार्यकारिणी समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष 3 सदस्य सहित हम अपने संयुक्त रूप में उनका सबके वार्ता में आवे के लिए आह्वान कर चुकल छी। आंदोलनरत कर्मचारी सब बीतल वर्ष चैत 19 गते प्रमुख जिला अधिकारी के रोहर में भेल 13 बूंदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन कर सेहो मांग केने छल। सर्वोच्च अदालत में तामेली में अवरोध केने में अख्तियार के निलंबित प्रमुख लोकमान सिंह कार्की सहित अपना के उपस्थित भ लिखित जवाब देव मंगल दिन आदेश कलक। सर्वोच्च अदालत के म्याद बुझ नहीं मानने आ अवरोध केने में कार्की सहित 4 गोटे विरुद्ध कार्रवाई कर मांग करते अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल रिट देने ओकर सुनवाई करते विपक्षी सब अपना के स्वयं अदालत में उपस्थित भ लिखित जवाब देव आदेश भेल। वही में कार्की के जमाय प्रबल थापा पूर्व कानून सचिव एवं कार्की के नातेदार प्रमोद कार्की आ नेपाल प्रहरी के सही नकुलराज गौतम छ। न्यायाधीश आनंद मोहन भट्टराई के एकल इजलास के आदेश में कहल गेल अछि सजाए नहीं कर वाला कोनो आधार आ कारण रहत 7 दिन भीतर स्वयं अपना के उपस्थित भ लिखित जवाब पेश कर कहल गेल। निवेदन में विपक्षी बनाओल गेल व्यक्ति सबके निवेदन के प्रतिलिपि सहित म्याद सूचना तत्काल जारी करू। कार्की के योग्यता संबंधी मुद्दा में पुनरावलोकन के आदेश के म्याद तामेली के क्रम में अवरोध भेल छल। मोरंग में 1 महानगरपालिका सहित 17 स्थानीय तह बनाब सिफारिश कलक। प्राविधिक समिति जिला के राजनीतिक दल के सहमति में 1 महानगर 1 उपमहानगर 10 नगरपालिका आ गाँवपालिका बनाब पुनर्संरचना आयोग में सिफारिश कलक। मोरंग स्थानीय विकास अधिकारी एवं प्राविधिक समिति के संयोजक शोभाकर रेग्मी सहमति में स्थानीय तह के पुनर्संरचना कैल गेल बतौलन। 2068 साल के जनगणना अनुसार 960,000 जनसंख्या रहल मोरंग जिला में हाल 1 उपमहानगरपालिका सहित 7 नगरपालिका आ 50 गाविस अछि। विराटनगर में
मात्र 2,01,000 जनसंख्या रहल विराटनगर के महानगरपालिका बनाब आवश्यक संख्या पहुँचाब बैजनाथपुर आ बुधनगर गावि के जोड़ गया महानगरपालिका बनाब 3,15,000 जनसंख्या आवश्यक पड़ला के बाद अन्य पड़ोसी गावि सबके समावेश कैल गया दू गावि जोड़ला पर सेहो विराटनगर के कुल जनसंख्या 2,81,000 पहुँचत एमन नेकपा एमाले सहित किछु दल के असहमति के बीच झापा में 15 स्थानीय निकाय के खाका सिफारिश कैल गया ऐसे आगू भादव 27 गते एक उपमहानगरपालिका सहित 11 स्थानीय तह सिफारिश कैल गया छल मुदा आयोग इलाका के आधार मानत स्थानीय तह निर्धारण कर निर्देशन दिला के बाद दल सब फिर कसरत में जुटल छल जिला विकास समिति झापा के कार्यालय में बैसल सर्वदलीय बैसार से झापा के एक उपमहानगरपालिका सहित 6 नगरपालिका आ 8 गांव पालिका रह के निर्णय सहित के सिफारिश केन्द्र में पठौलक नेकपा एमाले सर्वदलीय बैसार शुरू होब से आगुए बात नहीं मिलत कहित बैसार बहिष्कार केने छल एना का नया शक्ति नेपाल नेकपा एमाले सहित के किछ छोट दल सब सेहो निर्णय में असहमति जनौने आई यद्यपि दल सब के बहुमत से पुनः संरचना सिफारिश कलक नेपाली कांग्रेसक महामंत्री डाक्टर शशांक कोइराला अंगीकृत नागरिक के देश के राष्ट्रपति बनाब पड़त से पक्ष में कांग्रेस नहीं रहल बतौलन नेपाल प्रेस यूनियन कैलाली द्वारा काल आयोजित पत्रकार सम्मेलन में डाक्टर कोइराला अंगीकृत नागरिक भारत में प्रधानमंत्री आ अमेरिका में राष्ट्रपति बनन नहीं पाने उदाहरण दैत छोट देश नेपाल में अंगीकृत नागरिक के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जेहन पद में पहुँचा गया त राष्ट्र के हित नया धारणा रखलन अखन के जटिल राजनीतिक परिस्थिति में धर्म के मुद्दा उठाकर समस्या उजराब के उजरानाई उपयुक्त नहीं हाथ कहे तो कहलन जे राजनीतिक अवस्था सामान्य भेला के बाद ए विषय में जनता के निर्णय कर देव पड़त पत्रकार के प्रश्न में ओ संविधान संशोधन बिना कानून कर नहीं सकत उल्लेख करते ओ के लिए सब दल के मिल के आगू बढ़ पड़त में जोर दिलत अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के निलंबित प्रमुख कार्की के ऊपर के महाभियोग के प्रसंग में ओ सत्य तथ्य में आधारित भ के मात्र निष्कर्ष में पहुँच पड़त कांग्रेस के धारणा रहल बतौलन संघीय समाजवादी फोरम नेपालक नेता दुर्गामणि सुवेदी विदेशी नागरिक के देश के संवैधानिक पद में पहुँचाव के अंगीकृत नागरिकता अपना सबके मांग नहीं रहल स्पष्ट कलन विदेशी नागरिक के समान अधिकार देव के अंगीकृत नागरिकता के पक्ष में मधेशी मोर्चा या संघीय गठबंधन नहीं रहला से ए विषय के अनावश्यक प्रचार प्रसार तथा विवाद नहीं कर वो आग्रह कने सोमदिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में नेता सुवेदी कहलन जे संविधान संशोधन के मांग के कमजोर कर के लिए सुनियोजित ढंग से अंगीकृत नागरिकता के विवाद उठाल गया मोर्चा या गठबंधन एहन प्रस्ताव नहीं केला के बाद अमे विवाद कर के कोनो तुक नहीं आई विदेशी नागरिक के अधिकार दियाब मधेश आंदोलन नहीं भेल स्मरण करबैत नेता सुवेदी संघीयता समानुपातिक समावेशिता आ पहचान के मुद्दा के मधेश आंदोलन मजबूत ढंग से स्थापित कर चुकला से अ के विरुद्ध क्यों चलखेल ककरो चलखेल नहीं कर चेतावनी दिलत आब इंटरनेशनल न्यूज भारत 500 आ 1,000 के नोट प्रयोग में प्रतिबंध लगौलक मंगल के साँझ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नामे संबोधन करैत मध्य राति 12 बजे से 500 आ 1,000 रुपया के नोट प्रयोग में प्रतिबंध लगौने घोषणा कलन जाली नोट कारोबारी के निरुत्साहित कर भारत अपने देश भीतर ओहन नोट प्रयोग में प्रतिबंध लगाब पड़ल जनौलक ऐसे आगू भारत के अनुरोध में नेपाल सरकार वर्षों से नेपाल भीतर 500 आ 1,000 भारतीय रुपया के नोट प्रयोग में प्रतिबंध लगौने छल टेलीविजन संबोधन में मोदी एहन नोट साथ में भेल प्रयोगकर्ता सब December 30 भीतर बैंक में जमा कर अनुरोध कलक सरकार पुराना नोट के बदला में नया 500 आ 2,000 दर के नोट प्रयोग में आनत पुरान नोट के बदला में नया नोट प्रयोग में आना बुध दिन भारतक अधिकांश बैंक सब बंद रहत ATM सब सेहो काम नहीं करत सर्वसाधारण सुविधा के ध्यान में रखत दू दिन धरि अस्पताल सब पुराने 500 आ 1,000 के नोट स्वीकार करत टेलीविजन संबोधन में मोदी कालाधन भ्रष्टाचार आ नकली नोट के कारोबारी नियंत्रण के लिए एहन कदम उठाव पड़ल बतौलन यमन में युद्ध के कारण स्वास्थ्य क्षेत्र में गंभीर असर पड़ल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जनौलक युद्ध के कारण यमन के आधा से बेसी स्वास्थ्य सेवा बंद भेल WHO के कहब यमन के 22 प्रांत में से 16 प्रांत में अखन 45% सेवा मात्र पूर्ण रूप में प्रभाव भ रहा है अधिकांश जिला में 2 गोटे चिकित्सक मात्र रहा स्वास्थ्य सेवा में नागरिक के पहुँच बहुत कम रहा स्वास्थ्य सेवा के कमी के कारण से लोग सब जीवन रक्षात्मक सुविधा से वंचित होते आयल से WHO चिंता व्यक्त कने यमन में बीतल 18 महीना से हिंसा बढ़ रहा है सऊदी अरेबिया नेतृत्व के गठबंधन सेना के साथ रहल राष्ट्रपति एड्राबू मंसूर हादी पक्ष आ हुथा विद्रोही बीच भिड़ंत होते आयल के मार में
सर्वसाधारण नागरिक सब सेहो पड़ैत अछि। पिछला तथ्यांक अनुसार हिंसा के कारण अखन धरि 7,070 गोटे के जान चल चुकल अछि त 36,818 गोटे घायल भेल अछि। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन के मत परिणाम आब शुरू भेल अछि। आ प्रारंभिक मत परिणाम में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हिलारी क्लिंटन अग्रता ले लिए अछि। 50 राज्य में से 15 के मत परिणाम आयल अछि। आ हिलारी 68 इलेक्ट्रल मत पौनी अछि। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप 66 इलेक्ट्रल वोट पौने अछि। एहि से आगू 12 राज्य के मत परिणाम में ट्रंप मात्र 33 मत में छल, मुदा साउथ कैरोलिन लगायत के परिणाम से हुनका राहत दियौने अछि। फ्लोरिडा आ वर्जीनिया में ट्रंप आगू अछि त नॉर्थ कैरोलिना आ ओहायो में क्लिंटन आगू अछि। 538 इलेक्ट्रल कॉलेज में राष्ट्रपति में निर्वाचित होबा 270 वोट चाहिए। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। नया दिल्ली में कांग्रेसक सभापति देउबा आ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी बीच भेंटवार्ता, संविधान कार्यान्वयन में मोदी के चोट। संविधान संशोधन के समय सीमा सरकार से मांग के मोर्चा के तैयारी। संविधान कार्यान्वयन भइए का छोड़त प्रधानमंत्री प्रचंडक प्रतिबद्धता, जल्दी सहमति होबाक जोड़। भारत 500 आ 1,000 के नोट प्रयोग में प्रतिबंध लगौलक, दिसंबर 30 तारीख भीतर बैंक में जमा कर आग्रह। आ अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन के मत परिणाम आब शुरू, हिलारी क्लिंटन के अग्रता। अपन न्यूज सखन के लिए लतवे पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टीवी। नमस्कार।